हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के द्वारा हम आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड आज की इस वीडियो के द्वारा हम आपको व्हाट्सअप ऐप के बारे में कुछ ट्रिक्स लेके आए हैं। इस वीडियो के द्वारा हम आपको व्हाट्सअप ऐप की कुछ ट्रिक्सों को पेश करने वाले हैं फ्रेंड, तो हमारी वीडियो को आखिर तक वॉचिंग करिएगा, क्योंकि फ्रेंड आज की इस वीडियो के द्वारा हम आपको व्हाट्सअप ऐप की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जिन्हें आप शायद है आपने अभी तक नहीं सीखा होगा, क्योंकि फ्रेंड आप बहुत से लोग व्हाट्सअप चलाते हैं, लेकिन ऐसी ट्रिक्स हैं आज इसकी वीडियो के द्वारा हम फॉलो करने वाले हैं जिन्हें शायद ही आप लोग जानते होंगे। तो कृपया करके हमारी वीडियो को आखिर तक वॉच करिएगा, उसके बाद ही आपको यह वीडियो समझ आने वाली है, क्योंकि फ्रेंड आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, जिन भाई लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जा करके प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें सिंपल से अपने व्हाट्सअप ऐप को ओपन करना। तो देखिए फ्रेंड, हम सबसे पहले व्हाट्सअप ऐप को ओपन करते हैं, उसके बाद जो पहली टिप्स है वो हम आपके सामने पेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर किसी का मैसेज आता है आपके व्हाट्सअप पर, अगर उस मैसेज को आप अगर देख सकते हो, अगर जिसने मैसेज भेजा है उसको नहीं देखना चाहते हो, कहने का मतलब ये, अगर किसी ने आपको मैसेज भेजा है और आप उस मैसेज को देख भी लें लेकिन दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने ये मैसेज देखा है कि नहीं, तो वो टिप्स मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे अभी मेरा कोई मैसेज नहीं आया है, लेकिन उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं, जैसा कि इस नंबर पर अगर मेरा मैसेज आया होता तो फ्रेंड सबसे पहले हम पहले डेटा अपना बंद कर लेते इस प्रकार से। जैसे ही डेटा हम बंद करते हैं उसके बाद जैसे मैसेज कुछ आया होता तो इस पर हम सिंपल से क्लिक करते हैं। जब क्लिक करते हैं तो हम उस मैसेज को आराम से पढ़ लेते फ्रेंड, उसकी बात बैक आ जाती फ्रेंड, तो ये उसके बाद हम अपना डेटा ओपन कर लेते हैं। तो सिंपल से फ्रेंड एक टिक्स तो ये होगी फ्रेंड, आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड वापस आना है हमें और दूसरी टिक्स की ओर लेके चलते हैं फ्रेंड। तो देखिए सिंपल से फ्रेंड हमें सबसे पहले अपने व्हाट्सअप ऐप को ओपन करना है। देखिए उसके बाद फ्रेंड हम आपको बताते हैं, देखिए अभी बताते हैं फ्रेंड आपको, देखिए क्या करना है। देखिए फ्रेंड दूसरी टिप्स हम इस प्रकार से बताते हैं आपको, जैसे इस मैंने इसको ओपन कर लिया है अपने व्हाट्सअप को, उसके बाद एक आईडी पे मैंने संपर्क क्लिक किया है। देखिए फिर जैसे डेली करते हो इस प्रकार से आप चैट कर सकते हो। देखिए फ्रेंड तो इस प्रकार से आप चैट कर सकते हैं फ्रेंड, आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड एक न्यू तरीका से हम चैट आपको करके दिखाते हैं। देखिए जैसे आपने इस प्रकार से चैट कर लिया, अगर आप अक्षरों को चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये अक्षर यहाँ पे इस प्रकार से दिखा है, इन अक्षरों को चेंज करना चाहते हो कैसे करें, तो देखिए सबसे पहले हमें इस पर आना है। उसके बाद फ्रेंड आपको सिंपल सी देखिए स्टार लगाना है, स्टार लगा के आपको यहाँ पर लिखना है हेलो। तो देखिए फ्रेंड मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो, दोबारा से फिर स्टार लगाना है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमें सर्च बार ऑप्शन पे इसको सिंपल सी भेजना है। तो देख सकते हैं आप कुछ पहले से यहाँ पे हेलो अब ज़्यादा ब्लैक कलर में आ चुका है फ्रेंड, आप देख सकते हो डार्क में ब्लैक कलर में आ चुका है। उसके बाद फ्रेंड एक दूसरी टिप्स हम फिर से दोबारा किससे बताते हैं, जैसे फिर सर्च बॉक्स में पहुँचते हैं, उसके बाद फ्रेंड हमें यहाँ पर कुछ लिखना है। तो सबसे पहले हम इस वाला चिन्ह पर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये माइनस का चिन्ह है। उसके बाद फ्रेंड हम यहाँ पर हेलो लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमने हेलो लिखा, फिर दोबारा किसी उसी को चिन्ह करना है। तो आप देख सकते हैं इस पर सेंड कर दिया है, आप देख सकते हैं सिंपल सी टिक्स में ये देखिए सिंपल सा आपने हेलो लिखा तो इस प्रकार का आया, उस प्रकार से आप इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए तो दूसरी टिक्स में ये हो रहा है, अब हम आपको बताते हैं तीसरी टिक्स। तो देखिए फ्रेंड हम बैक आते हैं, अब आपको लेके चल अब हम आपको तीसरी टिक्स के पास लेके चलते हैं व्हाट्सअप की। तो सिंपल सी व्हाट्सअप को ओपन करते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पर लिखा है थ्री डॉट, सॉरी दोस्तों लिखा नहीं है यहाँ पर थ्री डॉट, इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, आप सिंपल सी देख सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड हम इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हमें नीचे आना है सेटिंग के ऑप्शन पर, सेटिंग पर क्लिक करते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे लिखा है स्टोरेज एंड डेटा, तो सिंपल सी फ्रेंड आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। देखिए फ्रेंड हम आपको बताते हैं ये डेटा एंड स्टोरेज, तो सिंपल से हमें इस पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है मैनेज स्टोरेज। तो ये चीज़ तो आप फ्रेंड जानते हुए कि आप अपने डेटा की जो स्टोरी है उसको साफ कर सकते हो, खाली कर सकते हो स्टोरी को, लेकिन इसके अलावा एक दूसरी टिक्स इसमें छिपी हुई है, उस टिक्स को भी हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, जितने भी आपके ग्रुप हैं और कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है दोस्तों, जितने भी फ्रेंड लोगों के आपके कॉन्टैक्ट हैं उनमें से हम एक को ओपन कर देते हैं। तो देखिए इसको मैंने ओपन कर लिया है, अब आप देखना चाहते हैं कि जिन भाई ने जिस ये मेरा फ्रेंड है इसने जो चीज़ मेरे लिए भेजी है फ्रेंड
उस चीज़ को हम एक सिंपल से पेज पे देखना चाहते हैं तो किस प्रकार से देख सकते हैं। तो जो भी चीज़ है इसको हम सभी को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम फ्रेंड इसको स्टार कर देते हैं। तो स्टार ये ऑप्शन है, देखिए फ्रेंड यहाँ पे स्टार का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर आप सिंपल से क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड अब जिस सभी चीज़ हमारी स्टार हो चुकी है, उसके बाद हम बैक आते हैं। अब आपको दिखाते हैं किस प्रकार से कहाँ रुकी हैं, डॉट थ्री डॉट पर आते हैं, उसके बाद यहाँ पर लिखा है स्टार्टेड मैसेज, इस पर हम क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं वो जिस हमने फ्रेंड की अपनी सभी चीज़ों को स्टार किया था वो यहाँ पर पूरी पेज ओपन होकर आ चुका है। अब आप एक एक करके जिस चीज़ों को देख, तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल अनिल यादव ट्रिक्स में जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड इसको आप सबसे पहले सपोर्ट करिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।